तारक मेहता का छोटा चश्मा जो 19 अप्रैल 2021 से सोनी ए पर दिखाया जा रहा है और ये इंडियन एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर बेस्ड है। बट ये एनिमेटेड सीरीज स्टार्ट ही क्यों किया गया और इसको देखना वेस्टिंग ऑफ टाइम क्यों है और ये सीरीज दिखाना क्या चाहता है और तारक मेहता का छोटा चश्मा सीरीज फ्लॉप क्यों हो रहा है। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट है बट मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और मैंने इसके ऑलमोस्ट शुरुआत के 10 एपिसोड देखे हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। सो वीडियो को एंजॉय करो। सो शुरुआत में मैंने कहा ये एनिमेटेड सीरीज क्यों बनाया गया, तो देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो 2008 से टीवी पर दिखाया जा रहा है और इसका इंटरेस्ट 15 प्लस साल के लोगों का तो है बट छोटे बच्चों में भी इंटरेस्ट जगाने के लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा चलाया जा रहा है ताकि बच्चों में भी इसका इंटरेस्ट जगाया जा सके। तो देखो इंडियन एनिमेटेड सीरीज ज्यादातर उसी टॉपिक पर बनाए गए हैं जो पहले से ही फेमस है, जैसे क्रिश जो क्रिश मूवी के फेमस होने के बाद बनाया गया और इसी तरह फुकरे बॉयज, शक्तिमान, लिटिल सिंघम, गोलमाल जूनियर बनाए गए जिससे तुम समझ गए होगे कि तारक मेहता का छोटा चश्मा क्यों बनाया गया। प्रॉब्लम विद तारक मेहता का छोटा चश्मा। पर उससे पहले सीरीज के मजेदार एपिसोड निशुल्क देखने के लिए सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो बहुत फेमस है क्योंकि इसमें कॉमेडी प्लस फैमिली लाइफ सिचुएशन है जिससे टीनेजर्स और एडल्ट लोग इस सीरीज से अपनी लाइफ को कनेक्ट कर पाते हैं। बट तारक मेहता का छोटा चश्मा जो मोटू पतलू जैसे एनिमेटेड की तरह बनाया गया है और ये सीरीज सिर्फ बच्चों पर टारगेट करती है बिल्कुल छोटा भीम की तरह, क्योंकि इसमें ना तो कोई लॉजिक है और ना ही कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तरह कोई कॉमेडी है। इसमें सिर्फ टप्पू और उसके दोस्तों पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि सिर्फ बच्चों पर ही टारगेट किया जा सके और इसके बाकी सारे करेक्टर का कोई भी इसमें रोल नहीं है। जिस तरह से तुम तारक मेहता को उल्टा चश्मा में देखते हो कि उसमें सभी करेक्टर का एक अहम रोल है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वेस्टिंग ऑफ टाइम, अगर तुम टीनेजर हो और तुम तारक मेहता का छोटा चश्मा देखते हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए टट्टी है। बट ये सीरीज किड्स के लिए औसम है और जैसे जैसे ये किड टीनेजर्स में आते जाएंगे वैसे इनका इंटरेस्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी आ जाएगा। तो ये वेस्टिंग ऑफ टाइम कैसे हुआ, तो देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सिर्फ शुरुआत के 1000 एपिसोड ही औसम थे बट तुम अभी के एपिसोड देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती इस शो को चलाया जा रहा है, इसलिए इसको देखना वेस्टिंग ऑफ टाइम है। तो सुमित तू बताना इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका आंसर इस वीडियो में है तो जरूर देख लेना। और ये सभी मेरे कुछ ओपिनियंस थे, मैं किसी भी एनिमेशन को हेट नहीं करता और ना ही ये कोई रोस्ट वीडियो। सो